हेलो एवरीवन, आई एम मीनल पाठक। वेलकम टू फिट तक। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी मूव्स जो हेल्प करेंगी आपकी शोल्डर से आपकी स्टिफनेस को हटाने के लिए। एंड नॉट जस्ट दैट, हम टारगेट करेंगे थोड़ी सी बैक मसल्स को भी। और ये सारी की सारी मूवमेंट्स हम करेंगे विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट। यस, दीज आर वेरी बेसिक मूव्स और आप अपनी ताकत के हिसाब से अपनी रेंज डिसाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आप अपनी मूवमेंट को फुल रेंज में भी ले जा सकते हैं। इन सभी मूवमेंट्स के लिए आपको मैट पे आना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मूवमेंट से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मूवमेंट। इन मूवमेंट्स के लिए आप मैट पे आ जाएंगे और प्रोन पोजीशन में, मतलब पेट के बल। तो अगर किसी को पेट के बल ऐसे लेटने में प्रॉब्लम है या प्रेशर आता है, तो मेक श्योर कि आप कुछ सॉफ्ट रखेंगे राइट अंडर योर पेल्विस, जिससे आपको स्टमक पे प्रेशर फील ना हो। सबसे पहली जो हमारी मूवमेंट है वो है सुपरमैन टू डब्ल्यू। यस, आप सुपरमैन की तरह अपने हाथों को आगे लेकर जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों के साथ पीछे को आएंगे इस तरह से। जब आप ऐसे आएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके जो फीट हैं वो ऊपर हवा में नहीं मुड़े। सेकंड, अपनी ग्लूट्स को एंगेज करके रखेंगे और कोर को भी एंगेज करके रखेंगे। मतलब इस मूवमेंट में आपके स्पाइन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, इस मूवमेंट पे आपके कोर में एंगेजमेंट आनी चाहिए। इनफैक्ट ये आपके शोल्डर स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी स्पाइन स्ट्रेंथ को भी टारगेट करता है। लेट्स डू 5 to 6 रेप्स हियर। उसके बाद आप करेंगे मिनिमम इनके 3 सेट्स। मतलब हाथ पूरे आगे की तरफ खींचे हुए, पंजे जमीन पे, ग्लूट्स एंगेज, कोर ऑल्सो एंगेज, सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। कोशिश कीजिए कि जब भी आप इस मूवमेंट को करें, आप अपने नेक के साथ कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपकी जो नेक है वो आपके स्पाइन के साथ न्यूट्रल रहेगी। आइए अब हम करते हैं अपना सेकंड पोज। इस पोज के लिए हम अपने कोर को अगेन एंगेज करके रखेंगे, लेकिन ये पोज सिर्फ होल्डिंग का भी हो सकता है और मूवमेंट का भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से मूवमेंट आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप टी पोज को सिंपल होल्ड करके भी रख सकते हैं। कोर को एंगेज करेंगे, अपने हाथों को सीधा खोल के टी अल्फाबेट को बनाएंगे, कोर को एंगेज करते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड होल्ड। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू बिगिन विद। मेक श्योर कि इस तरह से जब आपने होल्ड किया है तो आप अपने पंजों को ऊपर हवा में नहीं उठाएंगे, ग्लूट्स को एंगेज करके रखेंगे, कोर को एंगेज करके रखेंगे और सामान्य स्थिति से सांस लेते रहेंगे। आप इस मूवमेंट में अपने पूरे के पूरे शोल्डर्स को, स्कैपुला को अच्छे से एंगेज कर रहे हैं, उन सभी मसल्स को जो आपकी आगे की तरफ झुकी रहती हैं। सो अगेंस्ट द होल डे ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग, दिस इज अ बैक बेंडिंग मूव 1 एंड अ वेरी सिंपल एंड अ बेसिक मूव, जिसमें आप किसी तरह का कोई वेट भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो इंजरी का कोई चांस ही नहीं है। जितनी रेंज में जा सकते हैं, चाहे वो यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, कोशिश करें पहले 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, फिर धीरे धीरे आप इस मूवमेंट में अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। आइए अब करते हैं हम अपना थर्ड मूवमेंट, जिसको हम स्विमिंग पोज भी कहते हैं। जस्ट दैट वो स्विमिंग हम यहाँ पर मैट पे ही करेंगे। तो इसमें आपके हैंड्स फुल रेंज ऑफ मोशन में जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है आपके रोटर्स के लिए जिस तरह से हम हैंड्स की मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि अभी टू बिगिन विद आप हैंड्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस बात से घबराइएगा मत। जहाँ तक ईजिली जा सकते हो वहाँ तक जाओ, अपनी बॉडी को हल्का सा चैलेंज दो उससे थोड़ा सा आगे जाने के। धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी इन सभी स्ट्रेचेस से बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स आप फुल रेंज ऑफ मोशन भी कर पाएंगे। कोर को एंगेज करके नीचे जाइए, स्क्वीज करते हुए कोर को वापस पूरा पीछे तक लेकर आएंगे, फिर वापस, फिर एंगेज करते हुए पूरा पीछे की तरफ, फिर वापस एंगेज करते हुए फिर पीछे की तरफ। लंबी गहरी सांस भरेंगे एवरी टाइम यू राइज अप एंड देन बैक, और इसी तरह से वापस एंड बैक। मिनिमम 8 to 10 रेप्स करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप 2 to 3 सेट्स करें इन सभी एक्सरसाइजेस के। स्विमिंग पोज का ये एक वेरिएशन पोज है, जिसके अंदर हम हाथों को अपनी गोलाई में घुमाते हैं। ये बहुत अच्छा पोज है अगेन टू टारगेट,
ऑल द मसल्स राइट फ्रॉम योर शोल्डर्स टू योर लैट्स, अपर बैक को भी टारगेट करता है। और अगर आपके घर में वाटर बॉटल्स हैं या वो हैंड वेट्स हैं जो बहुत ही लाइट है, मिनिमम लाइक 1 kg और 1.5 kg, इन तीनों मूवमेंट्स को अगर आप कर पा रहे हैं तो इस मूवमेंट में आप वो वेट अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। अगेन, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को फोर्स करने की। इन सभी मूवमेंट्स को धीरे से करिए, पहले बिना वेट के ही करिए, लेकिन अगर कर पा रहे हो तो वेट ऐड करने में आपके इस मसल्स और अच्छे से स्ट्रेंथन होंगे। कोर को एंगेज करेंगे, पंजों को जमीन पे टिका के रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और हाथों के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर जाएंगे, मतलब पूरा गोल घुमाएंगे उल्टी साइड से भी, जिस साइड से आप घुमा चुके हैं उसके बाद दूसरी साइड से भी, मिनिमम 8 to 10 रेप्स एंड 3 सेट्स, और ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वर्कआउट विदाउट एनी इक्विपमेंट। मेक श्योर कि आप इन सभी मूव्स को 3 से 4 बार अपने रूटीन में डालेंगे फॉर दी होल वीक, एंड देन यू कैन सी विजिबल डिफरेंस कि कितनी आराम से इन मूव से आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ सारी स्टिफनेस नॉट जस्ट फ्रॉम द शोल्डर्स, आपके बैक से भी धीरे धीरे खत्म होती है। कोशिश करें कि अपनी रेंज को नॉर्मल बना के रखें, धीरे धीरे एज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी आप इन रेंज को फुल मोशन में भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग फिट तक फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग सेशंस एंड कीप रॉकिंग।